अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंसा फरू है। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ उसका नाम है आलू मेथी। आलू मेथी हर घर में बड़े शौक से खाई जाती है। आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगी हो सकता है ये आपको ना बताओ। जी हाँ, आज मैं अपनी दादी के सिखाए हुए तरीके से बताऊंगी और जब आप बनाएंगे तो दुआएं देंगे। तो चले फिर शुरू करते हैं बनाना आलू मेथी। 2 टेबलस्पून नमक लिया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून सुरख मिर्च है, ये छोटा पैकेट सब्जी मसाले का। अगर आपके पास नहीं है तो जीरा पाउडर या सूखा धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। अदरक लिया है 3 टेबलस्पून है, चॉप कर लिया है। 4 बड़े टमाटर है जिन्हें बारीक काट लिए। 1/2 किलो प्याज है जिन्हें बारीक काट लिया है। 1.5 किलो आलू लिए हैं जिन्हें छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और 1 किलो मेथी लिए जिसे बारीक काट लिया। अब हम मेथी को लेंगे और मेथी के अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसका पानी निकालेंगे, जो कसैला पानी होता है वो निकालेंगे। इसे थोड़ा सा मस लेंगे हम नमक लगा के। ये करना बहुत ज़रूरी है मेथी के लिए, वरना आपकी मेथी कड़वी भी बनती है और कसैली भी बनती है। ये नमक लगा के इसका पानी निकाल के जब आप इसे वॉश करेंगे, ये देखिए पानी निकल रहा है, ये देखिए। ये आप इसी तरह नमक लगा के इसका पानी निकाल लें और आपकी मेथी बहुत मज़े की बनेगी। जो भी खाएगा आप फैमिली वाला, जो भी आपके घर में खाएगा, आपसे तरीका ज़रूर पूछेगा कि आपने किस तरीके से मेथी बनाई है। बहुत मज़े की बनती है इस तरीके से मेथी। अब हम इसे वॉश करेंगे पानी के अंदर। पानी के अंदर इसी तरह वॉश करके फिर हम इसे पानी निकाल देंगे और रख देंगे, हम पकाने के लिए रख देंगे। आपको पता है मेथी के अंदर मिट्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये जो नमक लगाया था हमने, एक नमक भी इसमें निकल जाएगा मेथी वॉश करने से। उसी तरह हमने दोबारा इसे इसके अंदर से पानी निकाल लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट कर दें आलू मेथी बनाना। पहले ऑयल डालें, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। फ्लेम आपने मीडियम रखना है। ऑयल गर्म हो जाए, अब हम प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे मैंने आलू मेथी धोनी बताई है, ऐसे नमक लगा के इसे वॉश करना बताया कि नमक लगा के अपने पानी निकालना है उसका, आलू मेथी का, वो लाजमी आप कीजिएगा। क्योंकि मेथी अगर आप उसका पानी नहीं निकालते तो मेथी कसैली बनती है, मज़े की नहीं बनती। इस तरह करने से आपकी मेथी मज़े की बनेगी और करारी बनेगी। ये थोड़ा सा हमने प्याज लाइट ब्राउन करना है, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। जैसे ही प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, हम इसमें टमाटर अदरक डालेंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 टेबलस्पून जो हमने अदरक लेके चॉप कर लिया है वो डालेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जो मिर्च ली है सुरख वो डालेंगे। नमक 2 टेबलस्पून डालेंगे। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 पैकेट छोटा सब्जी मसाले का लिया था वो डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो जीरा पाउडर और सूखा धनिया पाउडर आप डाल सकते हैं। आधा ग्लास पानी का डालेंगे और इसे 5 या 6 मिनट के लिए ढाम के रख देंगे। अपने फ्लेम इसका लो करना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट्स हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज को थोड़ा सा हमने सॉफ्ट करना है। टमाटर प्याज अदरक जो डाले हमने,
अब हम इसमें मेथी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथी का मैंने जिस तरीके जो आपको तरीका बताया, नमक लगा के इसका कसैला पानी निकालने और फिर इसे वॉश कर लें पानी से। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़े की बनेगी। मेथी को मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हमने मेथी को भूनना है और फिर इसमें आलू डाल के हम 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे ढाम के। हम ये मेथी को भूनेंगे, जितनी ज़्यादा भूनी होगी उतनी ज़्यादा आपकी करारी और मज़ेदार आलू मेथी बनेगी। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है और आपने पास से हटना नहीं है, खड़े होके ही बनानी है आपने। 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसे भूनना है। 4 से 5 मिनट हो गए हमें मेथी को भूनते हुए, बड़ी मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। आपको पता मेथी बन रही हो ना, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। मेथी हमारी भून चुकी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू जो हमने 1.5 किलो लिए थे एक गिलास पानी का डालेंगे और 25 मिनट के लिए ढाम के रख देंगे ताकि आलू हमारे गल जाए। 25 मिनट के लिए आपने इसको ढांपना है और फ्लेम आपने इसका लो रखना है। 25 मिनट हो गए हैं, पानी खुश्क हो गया है, हमारे आलू लगता है गल गए हैं, थोड़ा सा रह गया 1-2 मिनट का। आलू हमारे गल गए हैं, सालन बस हमारा तैयार हो गया। 1-2 मिनट लगेंगे हमें और आलू मेथी में से ऑयल निकल आएगा तो हमारा आलू मेथी का सालन तैयार हो जाएगा। खुशबू ही बहुत मज़े की आ रही है, आलू मेथी से ऑयल आ रहे हैं। आलू मेथी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसका फ्लेम बंद करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मज़े की बनी है आलू मेथी, करारी करारी। अब आपने ये रेसिपी अपने घर वालों को बना के खिलानी है, पराठे के साथ, रोटी के साथ, और फिर आपने मेरे चैनल पर मुझे फीडबैक करना है कि ये कैसी बनी है आपकी। अगर आपको ये मेरी आलू मेथी की चटपटी रेसिपी मज़े की लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे दोबारा नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।